गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास टेंथ थ्योरम 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी हमारे पास एक सर्कल है और हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे सर्कल पे। फिर हमें दिखाना है कि जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रा किए सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो चलिए इसके लिए हम डायग्राम ड्रा करेंगे। तो डायग्राम से हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, तो हमने एक सर्कल ड्रा किया विद सेंटर ओ, और हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे। मैं यहां पे वो एक्सटर्नल पॉइंट लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा पी। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल पे। एक मैंने ये टेंजेंट ड्रा किया और दूसरा टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रा किया सर्कल पे। तो यहां पे इसका नाम रखेंगे ए और यहां पे इसका नाम रखेंगे बी। तो जो पी पी से मैंने टेंजेंट डाला सर्कल पे ए, ये एक टेंजेंट बन गया, और पी और बी ये एक टेंजेंट बन गया। तो हमें प्रूव करना है यही टेंजेंट जो पी से हमने ड्रा किया सर्कल पे, यानी पी ए, ये इक्वल होना चाहिए पी बी के बराबर। तो इन दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर से हम ए तक ज्वाइन करेंगे और इसी सेंटर से बी तक ज्वाइन करेंगे और यहां से हम ओ पी ज्वाइन करेंगे। तो हम देख सकते हैं इस फिगर में दो ट्रायंगल्स बन गए हमें, ए ओ पी ट्रायंगल बन गई, पी ओ बी ट्रायंगल बन गई। तो जैसे कि हमें पता है 10.1 थ्योरम बोल रही है टेंजेंट और जो हमने सेंटर से ये डिस्टेंस ड्रा की यानी रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप होती है, वे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ए पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। सेम यहां से भी हम देख सकते हैं कि बी पे भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि पी बी टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट की जो रिलेशनशिप है परपेंडिकुलर होते हैं, तो बी पे 90 डिग्री बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि इस फिगर में हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई, ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई राइट एंगल एट पी ए, ओ बी पी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई राइट एंगल एट बी। तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय कंग्रेंसी मेथड से, यानी हम इन दो ट्रायंगल्स को कंग्रेंट करेंगे। तो कंग्रेंट करने के बाद हमें सीपीसीटी से इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट निकलेगा, यानी पी ए और पी बी। तो चलिए इसके लिए हम पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हम लिखेंगे क्या हमारे पास गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल। तो गिवन में हमने लिखा हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, पी ए और पी बी दो टेंजेंट से जो हमने ड्रा किए है एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पे। टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें दिखानी है जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आपको पता है आपके आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन ओ ए कामा ओ बी एंड ओ पी, ये हमने जॉइन किए। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम पहले दिखाएंगे कि ए पे कैसे 90 डिग्री बनता है एंगल और बी पे कैसे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रूव किया थ्योरम 10.1, तो वही प्रूफ हम दिखाएंगे यहां पे, यानी वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ए पे 90 डिग्री बनता है और बी पे 90 डिग्री बनता है।
तो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट पहले यहां पे लिखेंगे, sin इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो ओ है, ओ ए ये परपेंडिकुलर है ए पी टेंजेंट पे, दैट इज ओ ए परपेंडिकुलर पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी पे, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमें ए पे भी 90 डिग्री एंगल बन गया और बी पे भी 90 डिग्री एंगल बन गया। तो जैसे कि हमने देखा ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ओ बी पी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अब हम यही दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के बाद हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी पी ए निकलेगा पी बी के बराबर, जो हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इनमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। तो हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ ए पी में ए पे 90 डिग्री एंगल है और ओ बी पी पे 90 डिग्री बी पे है, तो एंगल ए निकलेगा एंगल बी के बराबर। तो पहली कंडीशन हम ये लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, रीजन भी साथ देंगे, ईच 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, ओ ए ये रेडियस है, ओ बी ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस बन जाएगा। और हम देखेंगे ओ पी यानी 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूस है, यानी ओ पी ये इस ट्रायंगल में भी पार्ट आ रहा है और ये इस ट्रायंगल में का भी पार्ट आ रहा है, यानी ये कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों ट्रायंगल्स में। तो हम ओ पी इक्वल टू ओ पी यानी कॉमन लेंगे, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे रीजन लिखेंगे इसका कॉमन, यानी ओ पी हमने ओ पी कॉमन लिया। अब तीसरा पार्ट जो ओ ए है ये लेंगे हम ओ बी के बराबर, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए आएगा ओ बी के बराबर, रीजन भी यहां पे साथ लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हम देख सकते हैं पहले तो हमें 90 डिग्री एंगल आ गया, फिर कॉमन हाइपोटेन्यूस आ गया और फिर हमने साइड लिया यानी रेडियस लिया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम प्रूव करेंगे जो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल थी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। जैसे कि हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो जो उनका पार्ट होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ओ ओ ए पी ट्रायंगल में ये पार्ट भी खत्म होगा, ये पार्ट भी खत्म होगा, अब यहां पे ए पी बच गया, तो इसी ट्रायंगल में हमें यहाँ पे पी बी रह रहा है, तो पी ए साइड निकलेगा बराबर पी बी जो हमें प्रूव करना था। तो पी ए इक्वल टू पी बी, रीजन लिखेंगे सी पी सी टी। तो जो दो टेंजेंट्स की लेंथ थी वो इक्वल निकली, हेंस प्रूव। थैंक यू।